Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhogi Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious can achieve anything, whatever they want in their life. Okay, so हम algebra का special case तीसरा पढ़ने जा रहे हैं. Okay, third case. Okay, special case. Case three. Okay, if x plus 1 upon x equal 1, x cube equal क्या हो जाएगा, ये हम निकाल के भी करते हैं. ठीक है, तो x plus 1 upon x equal 1, this is the equation. अब हम इसको क्या करेंगे, x प्लस वन के स्थान पे हम क्या करेंगे, इसी को रख देंगे, इस सिचुएशन को, x प्लस वन अपान x इक्वल वन. सो x प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वन, और ये नीचे इससे गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल वन. ओके, सो x इससे गुणा हो जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा. ओके, जब भी आप इसको देख लो एक बार. ओके, यहाँ इसको क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 1. ओके, और दूसरा, इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल माइनस वन है. ओके, तो एक्स क्यूब इक्वल प्लस वन होगा. ओके, इसको आप याद रखना, इस फार्मूले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ओके, इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा, जब पूरा खोलोगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, सो हम कहीं क्वेश्चन में यूज करें तो आपको इसको अवेयर होना चाहिए. ओके, ये स्पेशल केस है, सो इसको जब भी आप एक बार देख लो. ओके, वैसे हम कितना क्वेश्चन करवा दे रहे हैं तो आपका याद हो ही जाएगा. क्वेश्चन से चलिए आते हैं. क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल वन, एक्स पावर ट्रिपल थ्री ऑन x power triple 3, what is the answer? Okay, अभी आपको पता है x cube equal plus 1 रहता क्या होगा, minus 1. okay, so यहाँ पे क्या करना है, इसको x cube यहाँ पे लाना है. ये हम step just लिख रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसे ही हम दिख ही रहा है ये 3 है. okay, हम आपको बस show करने के लिए, तो x power 3 वन 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 प्लस एक्स पावर थ्री वन वन वन. ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन, और ऊपर ये ऑड नंबर है तो भी माइनस वन ही रहेगा, प्लस नहीं हो पाएगा. ये भी ऑड है तो माइनस वन इक्वल माइनस टू आंसर आ जाएगा. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस इक्वल माइनस वन,
the question is x 100 plus 100 equal, this is the question. ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें थ्री वाला तो मिल नहीं, इसको हम थ्री में कन्वर्ट करें पहले. सो एक्स इंटू एक्स पावर 99 प्लस अपन एक्स पावर 99 इंटू एक्स. ओके अब यहाँ पे एक्स इंटू थ्री 33 प्लस, इसको डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, बट हम एक्सप्लेन करने के लिए इतना एक एक स्टेप दिखा रहे हैं आपको, आपको भी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आप भी कर लोगे. ओके यहाँ पे x पावर 3 प्लस 33. सो अभी इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस वन. ओके प्लस वन बिकॉज यू नो हियर माइनस वन देन एक्स क्यूब यू कैन सी हियर इज प्लस वन. ओके सो आंसर इज माइनस वन एंड माइनस वन. सो माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स. सो क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स. तो क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन, किसका है माइनस वन, माइनस वन इज हियर माइनस वन. सो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा वन. ओके दिस इज द आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, सॉरी क्वेश्चन इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन. ओके जीरो, ये क्वेश्चन आपको भी देखो यहाँ पे इक्वल माइनस वन वाला है, यहाँ पे ये आप साइड देख सकते हो. ओके तो यहाँ एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वन है इसमें. ओके अब द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज एक्स पावर 50 प्लस वन अपॉन एक्स पावर 50, ये क्वेश्चन है. ओके तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स पावर क्यूब वाला है तो यहाँ इसको हम क्यूब में कन्वर्ट कर सकते, कैसे कर सकते हैं इसको. सो सेवनटीन थ्री जा 51, इसको हम 51 कन्वर्ट कर लेते हैं. तो क्या करेंगे, एक एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे 50 अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स एक्स 50. ओके तो ये हो गया एक्स पावर 51 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स पावर 51. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, सो
x equal 317, okay, upon x plus x upon x 317, okay. So answer क्या हो जाएगा इसका, इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 1, तो ये बचेगा 1 अपॉन x प्लस x इक्वल, इसका वैल्यू यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, 0, क्योंकि ये यही इक्वेशन इसी से इक्वेशन से आया है, तो इसको हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली आंसर पुट कर देंगे 0, ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x पावर 3 क्या होगा. अभी ऐसा इक्वेशन हमने नहीं बताया, आप देखोगे यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव वाला है, ओके, अभी हम निगेटिव में उसको खोलेंगे, इसी ये पहले वाले को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ओके, ये एक प्रकार से इसका वाला है, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 1, ओके. सो मैं आपको इसको दिखा दे, x इधर गया तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल x, सो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0. सो आपको ये दिख रहा है कौन सा इक्वेशन का है, ओके. सो आप इसको ऐसे, इसको भी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल माइनस 1, ओके, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा. अब इसको डायरेक्टली हमें करने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको माइनस 1 हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, क्योंकि हम एक एक चीज करके दिखाने का ये कई बार दिखा चुके हैं. सो और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको माइनस 2 आप कर सकते हैं, ओके. इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 1, सो द क्वेश्चन इज एक्स 003 प्लस एक्स 1000 प्लस एक्स 503 प्लस एक्स 500, व्हाट इज द आंसर, ओके. आप इसको जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ओके, सो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये x 1000 x पावर क्यूब, ओके, प्लस x 1000, इसमें भी ऐसे कर लेंगे, x 500 डॉट x 3 प्लस x 500. सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 x पावर 1000 कॉमन ले लेंगे, x क्यूब प्लस 1, यहाँ पे x पावर 500 को कॉमन ले लेंगे, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, नहीं तो हमें इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओके. ये पहली बार ये इस केस में पहली बार है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा आराम से इस ए वन वन केस आपको सुन, तो यहाँ x क्यूब का क्या वैल्यू है, अगर ये इक्वेशन है ये प्लस 1 है तो x क्यूब माइनस 1 होगा, तो ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस ये प्लस 1 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ओके, 0 इज द, सो
आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। अगर ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं तो, अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इफ एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल वन, एक्स पावर 17 प्लस वन अपान एक्स पावर 17, व्हाट इज द आंसर, ओके। सो यहाँ पे क्या करना है, थ्री के फॉर्म में मिला मीन्स 18 करना है इसको। 18 कैसे होगा, 18 मल्टीप्लाई कर दो, 18 डिवाइड कर दो, और ये x पावर 17 हो गया, और इधर 1 अपॉन x पावर 17, सॉरी इधर भी एक x मल्टीप्लाई, इधर भी एक x मल्टीप्लाई इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, x पावर 18 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 6 कर दें, इधर 3 कर दें, इधर 6 कर दें, और इधर x, here x and x power 3 6, so ऐसा इक्वेशन है, क्या होगा, x cube का वैल्यू -1 यहाँ पे रख देंगे, ये इवन है तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x plus 1 upon x, 1 upon x this one, x this one, okay, तो इसका क्या आंसर है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ डायरेक्टली हम 1 पुट कर देंगे, इसका डायरेक्ट आंसर 1 पुट कर देंगे, ए एंड एस, ओके। ये सब डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, इफ एक्स प्लस इक्वल -1, तो x क्यूब का ऐसे इक्वेशन का क्या वैल्यू था, पॉजिटिव 1, ओके। सो क्वेश्चन इज 1 प्लस x क्यूब प्लस x पावर 6 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 12 प्लस x पावर 15 प्लस x पावर 18, वाट इज द आंसर, ओके। अभी आपने देखा था डिफरेंस 3 का हो तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 1, सो आंसर इज 1, ए एन एस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।